प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे, जहां पर क्वाड देशों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की दूसरी जापान यात्रा है, महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। क्या है इस यात्रा के मायने, इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ टोक्यो से जुड़ रही हैं नुपुर तिवारी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही योगा इंस्ट्रक्टर भी, कंसल्टेंट भी। नुपुर जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो सवाल यही है, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जापान आ रहे हैं, वहां किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का उत्साह भारतीय समुदाय में है? सो प्रणय जी, जैसे आपको पता है कि मोदी जी बहुत फेमस है एनआरआई के बीच में, और डेफिनेटली पूरे भारत में ही फेमस है, लेकिन एनआरआई के बीच में उनका एक डिफरेंट काइंड ऑफ करिश्मा है, तो वो पूरा दिखाई दे रहा है टोक्यो में। सारे लोग बहुत एक्साइटेड है, ये एकदम पूरा उत्सव की तरह हो रहा है। पूरे पूरे जापान में जहाँ भी इंडियंस है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब मोदी जी आएंगे, कब उनका थोड़ा सा झलक दिखाई देगा और उनका स्पीच सुनाई देगा। तो सारे मतलब इतने प्रिपरेशन इतने जोर शोर से है, हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। दो महीने पहले ही फुमियो किशिदा, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आए थे। दो महीने में दो बार दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाना चाहिए भारत और जापान के रिश्तों के संदर्भ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने प्रणय जी। एक्चुअली देखिए, जापान और इंडिया के बीच में दो, दिस इज क्वाड समिट होने वाला है, लेकिन जापान और इंडिया के बीच में जो जो संपर्क है, ये डिफरेंट डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे किसी तरह से हम जाके ऑलरेडी प्रॉमिस कर दे $42 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कैन यू इमेजिन कि ऐसे अभी तक हुआ नहीं, ये हिस्ट्री, लाइक टू प्राइम मिनिस्टर दे आर मेकिंग हिस्ट्री। उन्होंने वहां जाके प्रॉमिस किया है कि इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंडिया में, जो अभी तक नहीं हुआ। पूरा अगर टोटल भी देख लेंगे तो अभी तक नहीं हुआ। तो और ये बस 2 months के अंदर दोनों प्रधानमंत्री दूसरे बार मिल रहे हैं। तो ये जो जापान और इंडिया के बीच में जो संपर्क है वो होने वाला है, कभी नेवर हैपेंड बिफोर। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जापानीज कंपनी चाइना से वापस आ रहे हैं। आज जो इन्वेस्टमेंट का आईज है, जो जापानीज कंपनीज उनका आईज है पूरी तरह इंडिया के ऊपर। ये यात्रा जो है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे से ठीक पहले हो रही है। आप तो योगा कंसल्टेंट में हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, भारत के योग को लेके किस तरीके की चीजें हैं, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद ये जो योगा डे आने वाला है, ये कैसे और खास हो जाएगा? हाँ, एक्चुअली योगा, जैसे सबको पता है योगा इज एन इंटरनेशनल थिंग नाउ, प्लस मोदी जी आ रहे हैं, तो सब में इतने उत्साह है कि योगा करने का, कि जितने इवेंट होते थे योगा डे में पूरे जून में, उसे हम डबल इवेंट करेंगे। तो डेफिनेटली एक सवाल मेरा क्वाड की मीटिंग को लेकर भी है, क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, टोक्यो उसको होस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री किशिदा जब आए थे तो उन्होंने रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर, जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर बातचीत की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी भूमिका निभाएं इसके अंदर और शांति के प्रयासों में सहयोग दें, क्योंकि वो राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उनकी बात हुई। तो क्वाड की इस बैठक के अंदर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर किस तरीके से ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, और भारत की भूमिका को लेकर, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो एक तरफ हैं, लेकिन भारत इस चीज का आग्रह कर रहा है कि बातचीत के जरिए, वार्ता के जरिए, कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। किसी देश की पर पाबंदी लगाने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि बातचीत से समाधान निकलेगा। तो क्वाड में क्या कुछ अपेक्षा की जानी चाहिए? हाँ, जैसे पूरे ये जो युद्ध है, इसमें हम सब ने देखा कि देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट साइड ले लिए हैं, स्पेशली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तो एक ही साइड में है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसने किसी का साइड नहीं लिया, न्यूट्रल रहा, और डेफिनेटली पीस इज द ओनली सोल्यूशन जो भारत ने बोला। मुझे लगता है कि अब तक मोदी जी ने अगर किसी का साइड नहीं लिया, तो अब तो डेफिनेटली वही उनका स्टैंड रहेगा, क्वाड में भी वही उनका स्टैंड रहेगा कि हम वही चाहेंगे कि बातचीत से इसका फैसला किया जाए, और पहले से वो रहा है और अभी भी मोदी जी का वही स्टैंड रहेगा। मुझे जो लगता है, क्वाड में डेफिनेटली चाइना के बारे में बात होगी, जो म्यांमार के बारे में बात होगी, जो जो अभी अफगानिस्तान के बारे में बात होना चाहिए, जो हमें ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस चल रहा है स्पेशली
पूरे देश में, हम तो भूल ही गए हैं कि अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, हम यूक्रेन और रशिया के युद्ध में इतने इन्वॉल्व हो गए कि पूरे दुनिया अफगानिस्तान का भी इग्नोर, हम सबने इग्नोर कर दिया, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। बाकी जो चाइना का एग्रेसिव जो नीति है जो चल रहा है उनके बारे में, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट जापान का भी है, इंडिया का भी है, स्पेशल अमेरिका तो है ही। चाइना की दृष्टि से जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है उसके लिहाज से, जहां चाइना, जहां क्वाड के पूरे अपने इंटरेस्ट हैं उसमें, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि क्वाड की बैठक से जो चाइना का एग्रेशन है उसके लिए कोई डेफिनेटिव मैसेज देने की कोशिश होगी इस बैठक से? ऑलरेडी मुझे लगता है कि दैट इज द आइडिया, वही आइडिया है कि चाइना को बस ये एक मैसेज देना कि हम साथ में हैं और हम यहाँ पे शांति लाना चाहते हैं, और चाइना को एक डेफिनेटली वार्ता दिया जाएगा कि हम हैं, बस आपके आपका एग्रेशन नहीं चलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, इस वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजरें आपकी भी होंगी, हमारी भी होंगी प्रधानमंत्री मोदी की 23 और 24 मई को होने वाली जापान यात्रा पर, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।